दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बिठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें बुरा भला कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की बातें शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान बुद्ध की ये बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें तो गालियां दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार ना ही करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को लूंगा ही नहीं तो ये कहाँ रह जाएंगी? निश्चित ही आपके पास। मित्रों, बुद्ध के जीवन का ये छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं अपने लिए खड्डा खोद रहे होते हैं। ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम लोगों की बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं।